ये वक्त ही कुछ ऐसा था, ना दोस्त साथ थे ना यार। ऊपर से मूड चेंज करने के लिए जब भी मैं फेसबुक लॉगिन करता तो जिंदगी बचाने की हजारों रिक्वेस्ट्स मूड और खराब कर देती। कुछ बदलने का दिल तो बहुत चाहता था, मगर जवाब हर बार यही आता था कि ऐसे घर बैठे बैठे मैं कर भी क्या सकता हूं। उस टाइम पर मुझे एक कॉल आई मेरी फॉर्मर नेबर की कि मेरे वाले साहब बहुत क्रिटिकल हैं एंड यू आर सोशली कनेक्टेड, तो कोई ओ नेगेटिव प्लाज्मा डोनर ढूंढ दो, डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है। मुझे 2 घंटे लगे प्लाज्मा डोनर ढूंढने में, लेकिन जब मैंने उन्हें कॉल की तो एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि 2 घंटे गुजरने के बाद उनके वाले साहब की डेथ हो चुकी थी। दैट वॉज द मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि इस वक्त इस तरह के फोरम का होना बहुत जरूरी है। फिर बचपन में पढ़ी एक बात याद आई, where there is a will, there is a way। पढ़ा तो हम सब नहीं था, पर मतलब उस दिन समझ आया। बस फिर हिम्मत ने क्लिक किया और एक लिंक से लिंक बनते ही चले गए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई घर बैठे बैठे भी हजारों जिंदगियां बचा सकता है। जोरेज जैसे दर्दमंद लोगों का स्पार्क ही बना रहा है पाकिस्तान को स्पार्किस्तान। तुम ही हो स्पार्किस्तान, तुमसे है पाकिस्तान।